हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल BCM फोरम में। दोस्तों आज के इस वीडियो में वर्ग निकालने ट्रिक को देखेंगे। वैसे संख्या जो 100 के नजदीक हो उसके स्क्वायर मात्र हम कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं। ये बोर्ड पर जो संख्या आपको दिख रही है दो टाइप की संख्या, एक जो संख्या 100 से अधिक है और इधर वाली संख्या 100 से कम है। दोनों का स्क्वायर करने का ट्रिक अलग अलग होता है, इसका स्क्वायर करने का ट्रिक अलग होता है और इसका स्क्वायर करने का ट्रिक अलग होता है। चलिए आइए इसको हम समझते हैं। सबसे पहला जो 100 से अधिक है उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर जो संख्या है 102 है, देखिए 100 से कितना अधिक है, कितना अधिक है, 2 अधिक है। जितना अधिक होता है ना पहले उसका स्क्वायर करें, 2 अधिक है 2 का स्क्वायर करें कितना नंबर 4। और एक चीज यहाँ पर समझना होता है, यहाँ पर हमेशा 2 डिजिट में लिखना है, दो अंकों में लिखना होता है। एक अंक अपने से क्या लगेगा, 0 डाल देंगे तो 2 डिजिट हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितना अधिक है, 2 अधिक है, इसमें 2 जोड़ दीजिए 104 हो जाएगा। 102 का स्क्वायर हो गया हमारा इतना। उसी तरह 103 का स्क्वायर करेंगे तो कितना अधिक है, 100 से 3 अधिक है, 3 का स्क्वायर कीजिए कितना देगा हमारा 9। वन डिजिट मारा है, एक डिजिट अपने से कर देंगे, हमेशा टू डिजिट यहाँ पर लिखना होता है। और यहाँ पर 103 जो है ना 100 से कितना अधिक है, 3 अधिक, इसमें 3 जोड़ दीजिए कितना देगा हमारा 106। उसी तरह इसका स्क्वायर निकालेंगे, 105 जो है ना 100 से कितना अधिक है, 5 अधिक, तो 5 का स्क्वायर कीजिए 25। यहाँ पर देखिए 2 डिजिट आ जा रहा है, इसमें कोई अंक लिखने की जरूरत नहीं है। अब 105 जो है ना 100 से कितना अधिक है, 5 अधिक, इसमें 5 जोड़ दीजिए कितना देगा हमारा 110 अधिक। उसी तरह इसका स्क्वायर निकालेंगे, 108 जो है ना 100 से कितना अधिक है, 8 अधिक है, 8 का स्क्वायर निकालिए कितना देगा हमारा 64 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कितना अधिक है, 100 से 8 अधिक, इसमें 108 में 8 जोड़ेंगे कितना देगा हमारा 116 हो जाएगा। उसी तरह 112 का स्क्वायर निकालिए, 112 जो है ना 100 से कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा हमारा 144 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमेशा 2 डिजिट में लिखना है, दो अंकों में लिखना है, एक अंक बढ़ जा रहा है इसको हम हटा देंगे और इसको क्या करेंगे, 80 ले लेंगे। 112 में क्या करें, 12 अधिक 12 जोड़ेंगे तो 124 होगा और एक 80 लगा हुआ था तो कितना देगा हमारा 125 हो जाएगा। उसी तरह 118 का स्क्वायर निकालिए, 118 जो है 100 से कितना अधिक है, 18 अधिक है, तो 18 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 324 होगा। यहाँ पर देखिए हमेशा 2 डिजिट लिख रहा है, इसको हम क्या करेंगे हटा देंगे 3 को और 80 ले लेंगे 3 को। 118 18 अधिक है, 18 से जोड़ेंगे 136 और 80 3 लगा हुआ था तो कितना देगा हमारा 139। इस तरह हम 100 से अधिक वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे। अभी आइए अब हम 100 से कम वाली संख्या का स्क्वायर करना सीखेंगे। यहाँ पर देखिए 99 का स्क्वायर है, सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, देखना होता है कि सबसे पहले कि 100 से कितना कम, 99 जो है ना 100 से कितना कम है, 1 कम, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए हमेशा यहाँ पर 2 डिजिट में लिखना है, 1 डिजिट कम हो रहा है, 1 डिजिट अपने से डाल दीजिए 0। और यहाँ पर देखिए कितना कम है, 100 से 1 कम है, 99 में से क्या करेंगे 1 को घटाएंगे कितना देगा हमारा 98 होगा। इसमें घटाया जाता है, 100 से अधिक है तो उसमें जोड़ा जाए, इसमें लिया जाए घटाया जाए। अब यहाँ पर देखिए 96 का स्क्वायर, 96 जो है 100 से कितना कम है, 4 कम, तो 4 का स्क्वायर कीजिए कितना हमारा 16 होगा। अब यहाँ पर कीजिए 4 कम है तो 96 से 4 घटाएंगे कितना होगा हमारा 92 होगा। उसी तरह 94 का स्क्वायर निकालेंगे, 94 जो है 100 से कितना कम है, 6 कम, तो 6 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा हमारा 36 होगा। अब यहाँ पर देखिए 6 कम है, इसमें क्या करेंगे 94 से 6 घटाएंगे कितना होगा हमारा 88 होगा। पंद्रह का स्क्वायर निकालेंगे कितना होगा हमारा 225 होगा। और यहाँ पर देखिए 3 डिजिट आ जा रहा है, हमेशा 2 डिजिट लेना है इसलिए इसको हटा देंगे और इसको 80 ले लेंगे। अब 85 100 से 15 कम है तो 15 से घटाएंगे कितना होगा 70 होगा और 80 2 लगा हुआ था तो कितना जाएगा 72 होगा। उसी तरह 89 का स्क्वायर करेंगे, 89 100 से कितना कम है 11 कम, 11 का स्क्वायर कीजिए कितना जाएगा हमारा 121 होगा। हमेशा 2 डिजिट लेना है, एक डिजिट बढ़ जा रहा है इसको हटा देंगे और इसको 80 ले लेंगे। अब 11 100 से कम है इसमें से 11 घटा देंगे तो 11 घटाएंगे तो कितना होगा 78 होगा, और ये 80 लगा हुआ था 78 एक कितना जाएगा 79 होगा। इस तरह हम 100 से कम वाले सभी संख्या का स्क्वायर मात्र कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।